सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक लिखिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। देखिए, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को शॉर्ट में डीयू कहते हैं। इसको हम लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब ये दोनों नाम आपसे कुछ कहते हैं, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, दैट इज, दिस वन इज IHD, ठीक है, IHD कहा जाता है इसको, या फिर इसको DU भी लिखा जाता है। सो DU या IHD आपसे कुछ कहता है, ये नाम आपसे कुछ कह रहे हैं। जरा समझिए, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। देखिए, हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसेचुरेटेड भी होते हैं। एग्जांपल देता हूं, देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जिसमें सारे के सारे कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, सो सैचुरेटेड को क्या लिखते हैं बताइए, उसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है? सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, यस और नो? क्लियर हो गया? सो इसको एल्केन्स कहते हैं, याद है आप लोगों को, इसको एल्केन्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं दो हाइड्रोजन कम करूंगा, ये सैचुरेटेड से कैसे हो जाएगा, अनसैचुरेटेड की तरफ निकल पड़ेगा, बढ़ जाएगा। देखिए, CnH2n अनसैचुरेटेड हो गया, दो हाइड्रोजन मैंने कम कर दिए। देखिए, पहले था CnH2n+2, अब दो हाइड्रोजन कम हो गए तो CnH2n। अब इसको हम लोग कह सकते हैं ये एल्कीन का फॉर्मूला है, यस और नो? एल्कीन का फॉर्मूला हम लोग कहते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, यहां पर जैसे ही मैंने दो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी करी, इसमें अनसैचुरेशन आ गया, सैचुरेटेड से ये अनसैचुरेटेड की तरफ बढ़ गया। क्लियर होता है? लेकिन यहां पर एक मजेदार चीज है, हमने लास्ट टाइम पे रिंग चैन आइसोमर्स पढ़े थे। अब आप ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बहुत आसान है, ध्यान से इसको समझिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए C3H6। अब ये C3H6 है, यहां से आप क्या इमेजिन करते हो, C3H6 इस फॉर्मूले को मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। लेकिन आप यहां से क्या क्या डिजाइन कर सकते हो, आपको पता है, यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप चैन भी बना सकते हो, रिंग भी बना सकते हो, जिसमें तीन ही कार्बन और छह ही हाइड्रोजन लगेंगे। और मजे की बात, रिंग वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो भी अनसैचुरेटेड में ही काउंट होते हैं। These are also not stable, clear होता है? So यहाँ पर degree of unsaturation का मतलब यही है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन में कमी आती रहेगी, मतलब saturated में अगर हाइड्रोजन आपने कम कर दिए तो वो unsaturated की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, तो इससे आप क्या क्या बना सकते हो, जरा चेक करो। मैं यहाँ पर तीन कार्बन छह हाइड्रोजन से एक एल्कीन बना सकता हूँ, चेक कीजिए, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी पूरी है, उसके बाद CH, उसके बाद CH3। अब आप चेक करिए कि मैंने यहां पर एक एल्कीन यानी कि प्रोपीन बना दी। देखिए, कार्बन कितने हैं, एक दो और तीन, हाइड्रोजन कितने हैं, दो तीन और तीन छह, तीन कार्बन छह हाइड्रोजन से मैंने एक एल्कीन बना दी, यस और नो? इसको बोलते हैं प्रोप इन, यस और नो? मैं तीन कार्बन छह हाइड्रोजन से एक रिंग भी बना सकता हूं। देखिए जरा ध्यान से, ये चेक कीजिए, यहां पर बॉन्ड लाइन डायग्राम है। अब आप जरा चेक कीजिएगा, इसका मतलब यह है कि ये CH2, उसके बाद यहां पर CH2 और उसके बाद यहां पर CH2, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए, यहां पर कार्बन कितने हैं, एक दो और तीन, हाइड्रोजन कितने हैं, छह। इसका मतलब C3H6 से मैं एक एल्कीन यानी कि प्रोपीन बना सकता हूं और फाइनली एक रिंग यानी कि साइक्लोप्रोपेन भी बना सकता हूं। दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। क्लियर होता है? साइक्लोप्रोपेन। अब आप चेक करिएगा, हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में गए, दो हाइड्रोजन हमने कम कर दिए। ध्यान से इसको देखिएगा, एक्चुअल में तीन कार्बन के साथ सैचुरेटेड कंपाउंड बनाओगे तो आठ आपको हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपने क्या किया, दो हाइड्रोजन यहां से माइनस कर दिए। जैसे ही दो हाइड्रोजन माइनस किए, तो ये सैचुरेटेड से किसमें चला गया, ये सैचुरेटेड से चला गया अनसैचुरेटेड में। इसको समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अनसैचुरेटेड में ये एल्कीन यानी कि प्रोपीन बना रहा है और साइक्लो कंपाउंड बना रहा है। दीज ऑल आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर होता है? सो इसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब ये तो सिंपल फॉर्मूला था, यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते ही, मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन वाला कोई कंपाउंड होता, ऑक्सीजन वाला कोई कंपाउंड होता, हेलोजन वाला कोई कंपाउंड होता, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते? तो यहां पर बहुत मेहनत के बाद इन्होंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आपको एक फॉर्मूला दिया। मतलब उसे समझेगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको क्या बता रही है, बेसिकली हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी हुई है और उससे आप क्या क्या बना सकते हो। क्लियर होता है? उससे आपको एक अंदाजा लगेगा, एक आइडिया लगेगा, यानी कि दो हाइड्रोजन कम होते ही आप एल्कीन भी बना सकते हो और साइक्लो एल्केन भी बना सकते हो। समझ में आ गया? अगर ये दो हाइड्रोजन कम हुए तो आप ये दो तरह के कंपाउंड बना सकते हो। इसका मतलब
ध्यान से उसको देखिएगा, डीयू की कैलकुलेशन समझते हैं, उससे और क्लैरिफिकेशन आएगा, लेकिन यहां पर एक आइडिया तो लग ही जाता कि होने क्या वाला है। दो हाइड्रोजन कम किए, सैचुरेटेड से हम लोग अनसैचुरेटेड की तरफ आ गए, लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूला बना है उससे हम एल्कीन और साइक्लोएल्कीन दोनों बना सकते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज एल्कीन, दिस इज साइक्लोएल्कीन। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूले से समझाता हूं जिससे और क्लैरिफिकेशन आएगा, फिर मैं आपको वहां पर कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कोई केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है ए, मान लेते हैं कार्बन कितने ए, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो कार्बन तो होगा ही ना, कार्बन ए मान लेते हैं, हाइड्रोजन मान लेते हैं हम लोग बी, क्लियर होता है। उसके बाद किसका नंबर मान लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन सी मान लेते हैं, ऑक्सीजन डी मान लेते हैं, और जो हेलोजन है वो ई मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन ए, हाइड्रोजन बी, नाइट्रोजन सी है, ऑक्सीजन डी है, और एक्स यानी कि हेलोजन कितने हैं, ई। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटाइन के कंपाउंड नहीं होते, तो ये तो होते ही है। अब अगर इसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना हो तो देखिए ध्यान से, एक ही बार देखना पड़ेगा, आदत हो जाएगी, उसके बाद तो याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इस कंपाउंड के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेरी इजी, ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले आप हाफ लगाइए बाहर, लगा दिया, उसके बाद आप लिखिए 2+2a माइनस बी प्लस सी माइनस ई। यहां पर मैं डी नहीं ले रहा हूं, मैं इसको रूल में भी लिखाऊंगा, यहां पर डी नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के नंबर को हम लोग डीयू में काउंट नहीं करते। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और आसान हो जाएगा। अब यहां पर ए क्या है, मैं लिख देता हूं, यहां पर ए है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बी क्या है, बी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गया सब लोगों को? अच्छा, यहां पर सी क्या है, दैट इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। और यहां पर ई क्या है, दैट इज नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बस इतना ही ध्यान रखना है। दोबारा देखिए, हाफ 2+2a माइनस बी प्लस सी माइनस ई, सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसके लिए कुछ रूल्स हैं, मैं नीचे लिखा देता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहला रूल, सिर्फ चार ही रूल है, उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। और जो लोग देखिए, आप अपनी बुक खोल के देखिए, आपको हर बार क्या करेंगे, एक फॉर्मूला दे देंगे हाइड्रोकार्बन का ऐसा, और आपसे बोलेंगे बताइए इसके आइसोमर्स कितने होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे। सबको समझ में आ गया? और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तो क्या रिंग चेन आइसोमर भी आता है, यू नो चैन आइसोमर भी आता है, पोजिशन आइसोमर भी आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीयू निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ये जज करने के लिए कि क्या उसमें डबल बॉन्ड है, क्या उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, क्या उसमें रिंग है, उसका आइडिया आपको डीयू से तुरंत लग जाएगा। आप ध्यान से उसको देखते रहिए। तो रूल नंबर वन क्या है, रूल नंबर वन ये है कि आपको ऑक्सीजन और सल्फर अगर दिख जाए तो उसको इग्नोर करना है। सो फाइनली इग्नोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर अटैच्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबको समझ में आ गया? तो मैं लिख देता हूं, यहां पर आपको हमेशा और ऑक्सीजन या सल्फर लगाओ तो उसको इग्नोर कर देना है, उसको काउंट नहीं करना है। बट काउंट हाइड्रोजन अटैच टू देम, ठीक है। आपको ऑक्सीजन या फिर यहां पर ऑक्सीजन या सल्फर के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो उसको काउंट करना है, ठीक है, अटैच टू देम। ध्यान से उसको समझिएगा, जैसे ही कई बार होता है ना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, तो ये अल्कोहल हो गया ना, तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन को तो आपको काउंट नहीं करना, लेकिन हाइड्रोजन को तो काउंट करना है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब देखिए, रूल नंबर वन हो गया, ये तो सिंपल फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में था। अब जो आगे वाले रूल लिखा रहा हूं वो स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में है, और जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो काम बहुत आसान होगा, ध्यान से उसको देखते रहो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में क्या लिखा है, इफ यू हैव गिवन दिस स्ट्रक्चर और फिर आपसे कहीं वो डीयू निकालो, तो उसके सिंपल से तीन रूल है, ठीक है। व्हेनेवर यू फाइंड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एड वन इन डीयू, आपको डीयू में एक ऐड कर देना है। क्लियर हो गया? ध्यान से उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिखे, आपको कंपाउंड देखे और डीयू पूछ रहा हो, तो उसके अंदर अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो इसका मतलब डीयू में एक ऐड कर देना है। फिर उसके बाद रूल नंबर थ्री, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, इफ यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड
इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपको कितना ऐड करना है, ऐड टू इन डीयू। बहुत आसान है, ध्यान से इसको देखिए, पहले रूल लिख लीजिए, डबल बॉन्ड में वन, ट्रिपल बॉन्ड में टू, और लास्ट रूल है रूल नंबर फोर। नाउ इफ यू हैव अ रिंग, ठीक है, रिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन एड वन, एड वन इन डीयू। अब आपको मैं फिर से ये चार रूल बता देता हूं, बहुत सिंपल है। ये तो रहा फॉर्मूला, चार रूल क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आपको ऑक्सीजन या सल्फर दिख जाए, इग्नोर कर दो, उसके साथ हाइड्रोजन, उसको क्या कर लो, काउंट कर लो। अगर आपको स्ट्रक्चर दियो, उसमें डबल बॉन्ड हो तो डीयू में एक ऐड करना है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो डीयू में दो ऐड करना है, और उसके अंदर रिंग हो तो डीयू में एक ऐड करना है। ये सिंपल चार से रूल है, ठीक है, सिंपल सिंपल से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं इसी के मुताबिक। ध्यान से उसको देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपकी डीयू की प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए, उससे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। तो आपको स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी कराऊंगा और सिंपल क्वेश्चन भी कराऊंगा, दोनों तरह के कराऊंगा। तो उनमें जो हमने रूल अभी पढ़े हैं वो सारे के सारे अप्लाई भी करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज कीजिए, पहला इसी को ले लेते हैं, C3H6 बोलता है कि इसका डीयू निकालिए। ध्यान से इसको समझिएगा, C3H6 इसका DU निकालिए, फर्दर उसकी स्टडी करिए। तो देखिए, यहां पर DU निकालना है, तो DU का फॉर्मूला क्या था, हाफ, सबसे पहले हाफ लगाना था, फिर उसके बाद 2 प्लस, अब देखिए अपने आप याद होता चला जाएगा, यहां पर 2 प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वो 2 इंटू 3, यस और नो, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6, आगे तो कुछ है नहीं, तो यहां पर खत्म हो गया। तो फाइनली यहां पर DU कितना निकल के आ रहा है, जरा चेक कीजिए, यहां पर हाफ लगा, सो यहां पर हुआ 2, यहां पर प्लस कितना हुआ, 6 माइनस 6, तो 6 में से 6 0, तो 2 2, ये आ गया DU 1, क्लियर हो गया। यहां पर 2 ही बचेगा, उसको 2 से आपने डिवाइड किया, 1 आ गया। अब इस चीज को समझिए, 1 का मतलब क्या हो गया, नोट लगा के लिखिए, DU जब भी 1 आए इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है, 2 हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी हुआ है, क्लियर हो गया सब लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आ रहा है DU मतलब 2 हाइड्रोजन हटे हैं, क्लियर हो गया, ये हमने पहले भी समझा था, नहीं समझा है तो दोबारा देख लीजिए। अगर DU 1 आ रहा है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हटे हैं, वैसे भी दिख रहा है C3H6 एक एल्कीन बना सकते हो इससे, तो 2 हाइड्रोजन हट ही गए ना, लेकिन इससे आप रिंग भी बना सकते हो, क्लियर होता है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन हटे हैं मतलब DU 1 आया, तो आप इससे क्या क्या बना सकते हो, एक तो आप यहां से स्ट्रेट, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, एक तो आप एल्कीन बना सकते थे, और दूसरा आप यहां पर एक साइक्लो एल्केन भी बना सकते हो, तो दोनों बना सकते हैं। इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है और रिंग भी पॉसिबल है। DU 1 आए तो 2 चीजें की पॉसिबिलिटी बनती है, इसका मतलब यहां 2 आइसोमर हो गए, क्लियर होता है, एक ये और एक ये, स्ट्रक्चर आइसोमर ही तो हुए एक तरह से, क्लियर हो गया। तो हमको तुरंत आइडिया लग जाएगा DU निकालते ही कि भाई यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एक ये और एक ये, क्लियर होता है। एग्जाम्पल देखिए और प्रोसीड करते हैं, सपोज कीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है C5H8, ऐसा मान लेते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, C5H8 आपको बोला, ठीक है। सो यहां पर आपसे पूछा कि बताइए इसका DU कितना है और इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो सबसे पहले आप DU ही निकालोगे, तो चलो सबसे पहले हम लोग DU की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो DU, सबसे पहले आप हाफ लगाते हो, उसके बाद क्या लिखते हो, 2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 5 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज 8। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे, करो फटाफट से, दैट इज हाफ, और यहां पर क्या लगाओगे, 2 प्लस ये कितना हुआ 10 माइनस 8, क्लियर हो गया। सो 10 में से 8 गया 2, 2 और 2 कितना होता है 4, 4 को 2 से भाग दोगे तो यहां पर आ रहा है जी 2, क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से इसको समझिए, आपका आ रहा है DU 2, पहले आ रहा था DU 1, तब तो एक एल्कीन बना पा रहे थे और एक रिंग। अब यार DU 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, जरा ध्यान से उसको रूल बुक को पढ़ो, रूल बुक में क्या है, डबल बॉन्ड में DU 1, ट्रिपल बॉन्ड में DU 2, क्लियर होता है। सो ध्यान से इसको देखिए, यहां पॉसिबिलिटी क्या बनती है, या तो यहां पर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है, तभी DU 2 आएगा, समझ में आता है। रूल बुक को देखिए, यहां पर DU 2 का मतलब क्या हो गया, मैं एक नोट और लगवा देता हूं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, नोट, यहां पर अगर 2 DU है इसका मतलब 4 हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, डेफिशिएंसी, यस और नो, 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, DU 2 है।
देखिए यहां पर डीयू जब एक आ रहा था तो दो हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी था, जब दो आ रहा है तो चार हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो इससे आप एक क्या बना सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना सकते हो। चेक करिएगा, पांच कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड बना के दिखा देता हूं, देखिए पॉसिबिलिटीज चेक करिएगा। यहां पर देखिए फटाफट से, मैंने कार्बन लिया ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक, यहां पर तीन हो गए पांच, ये देखिए यहां पर ये कंपाउंड बना सकता हूं। हाइड्रोजन लगाइए फटाफट से, यहां पर कितने हाइड्रोजन, एक ही लगेगा, यहां तो एक भी नहीं लगेगा। यहां पर कितने लगाओगे आप, दो हाइड्रोजन लगाओगे, यहां पर कितने लगाएंगे, दो हाइड्रोजन, और यहां पर कितने लगाएंगे, तीन। चेक करिए यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन, दो पांच, दो सात और एक आठ, यही है C5H8। अच्छा आप दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, देखिए जब डबल बॉन्ड आता है तो एक डीयू होता है, अगर डबल बॉन्ड दो हुए तो दो डीयू हो गए ना, तो यहां पर आप दो यहां पर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी बना सकते हो, ये मजेदार है। देखिए जब आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप दो डीयू काउंट करते हो, क्लियर हो गया, ये रूल बुक में लिखा है, अभी हमने देखा ही है। जब आपका दो डबल बॉन्ड आ गए तो भी डीयू दो ही होगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए एक डीयू, तो दो डबल बॉन्ड के लिए दो डीयू। अब अपन बना के देखते हैं जिससे और आइडिया होगा, जरा चेक कीजिए, मतलब आपके कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। चेक करिए, ये एक डबल बॉन्ड मैंने बनाया, सपोज ये दूसरा डबल बॉन्ड बना दिया, एक दो तीन चार और पांच कार्बन, अब इसकी वैलेंसी पूरा करके देख लो, फॉर्मूला वही बनेगा, इसे देखो तुरंत आइडिया लग जाता है। तो यहां पर दो हाइड्रोजन लगाओगे, यहां पर एक हाइड्रोजन लगाओगे, यहां पर भी एक ही हाइड्रोजन लगाओगे, यहां पर भी एक ही हाइड्रोजन लगाओगे, यहां तीन हाइड्रोजन लगाओगे, वैलेंसी पूरी हो गई सबकी। चेक करिए हाइड्रोजन कितने, तीन चार पांच छह सात आठ, ये देखिए। तो यहां पर दो डबल बॉन्ड वाला आपको कंपाउंड भी देखने को मिलेगा C5H8 में, तो आपके पास दो स्ट्रक्चर आइसोमर तो हो गए। इसका आइडिया आपको कैसे लगा, डीयू निकालने पर रूल बुक बनाए, आप रूल बुक देखिए फटाफट से आपको आइडिया लग गया। चार हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी करवानी थी तो चार हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी दो डबल बॉन्ड में भी हो सकती है, क्लियर हो गया। वैसे भी आपने क्या किया, ये पाई बॉन्ड दो इंट्रोड्यूस किए यहां पर तो एक साथ कर दिए थे, आपको पता है ना कि किसी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होते हैं और दो पाई होते हैं, तो आपको एक तो कार्बन टू कार्बन आपने एक साथ ही दो पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिए, यहां पर कार्बन टू कार्बन आपने अलग अलग पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए हैं। सबको समझ में आ गया, सीन कुछ ऐसा है। आप यहां पे और क्या कर सकते हो, जिसे डीयू दो आ जाए तो यहां पर आपको पता है कि एक रिंग से एक डीयू बढ़ता है, तो यहां पर दो रिंग भी हो सकती है, यस और नो, दो रिंग भी हो सकती है। चेक करो, आपको कि ये कैसे, तो चेक करो क्या ये दो रिंग नहीं हो सकती है, चेक करिएगा ध्यान से, इसको देखिए, ये देखिए ये कंपाउंड भी हो सकता है, ये देखिए इसको स्पायरो कंपाउंड कहते हैं। अब किसी को बनाना नहीं आया तो इसे बॉन्ड लाइन डायग्राम है, इसको कंप्लीट कर लो, ये एक बीच में कार्बन है, उसके इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, यहां पर आपने क्या लगा दिया CH2, यहां पर क्या लगा दिया CH2, यहां पर क्या लगा दिया CH2, और यहां पर क्या लगा दिया CH2, दोनों को जोड़ दो। अब आप देखो वो कंपाउंड है ये वाला, अब आप चेक करो कि आप कार्बन कितने हैं, पांच, एक दो तीन चार पांच, क्लियर होता है, और साथ में हाइड्रोजन चेक करो, दो दो चार दो छह और दो आठ, दो रिंग वाला कंपाउंड बन सकता है, दो रिंग हो गई ना, एक रिंग ये वाली एक रिंग ये, बीच में कार्बन कॉमन है, इसको स्पायरो कंपाउंड कहते हैं, क्लियर हो गया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यानी कि आप जैसे ही डीयू निकालोगे आपको आइडिया लगता जाएगा, दो रिंग, पता है एक रिंग से एक डीयू बढ़ता है, तो दो रिंग से दो डीयू हो गए, क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर वाला आप करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, तो ध्यान से उसको देखो, आप दो रिंग वाला कंपाउंड बना सकते हो, या फिर चौथी पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है, आप एक रिंग वाला कंपाउंड बना लो और एक उसमें डबल बॉन्ड हो, एक रिंग वाला कंपाउंड बनाओ और एक उसमें डबल बॉन्ड हो, ये पॉसिबिलिटी भी बनती है, यस और नो। तो पांच कार्बन से एक रिंग वाला कंपाउंड बनाओ और एक डबल बॉन्ड भी बना सकते हो। चेक करो, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने ये वाला कंपाउंड बनाया, ये देखिए कार्बन कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, इनको जोड़ दीजिए और एक यहां डबल बॉन्ड ले लीजिए, ये देखिए, तो आप ये कंपाउंड भी बना सकते हो, कितना मजेदार है। एक तो हो गया रिंग जिसकी वजह से एक डीयू आया, समझ में आ गया, एक डबल बॉन्ड जिसकी वजह से एक और डीयू आया, तो टोटल दो डीयू हो गए। जिसको ये स्ट्रक्चर बनानी नहीं है, मैं इस तरफ बना देता हूं, तो बस ये सारे आइडियाज। अब देखिए आपको कोई पूछ ले C5H8 में कितने स्ट्रक्चर आइसोमर होंगे, तो आप देखिए बना रहे हैं एक दो, उसके बाद आपने तीसरा बनाया और अभी आप चौथा बना रहे हो, क्लियर हो गया। तो सीधे सीधे आइडिया हो जाएगा, आप चाहो तो उसको ऐसे बना के देख सकते हो। कार्बन ये देखिए, यहां पर CH2 लगाओगे, चार बॉन्ड उसके पूरे हो गए, फिर इसके बाद यहां पर कार्बन लगाया, यहां पर आपने CH2 लगाया, फिर उसके बाद यहां कार्बन लगाया जो डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब ये वाला हो गया, ये स्ट्रक्चर है, एक दो तीन बॉन्ड, एक चौथा हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन। अब चेक करिए यहां पर भी एक कार्बन है जिसके साथ दो हाइड्रोजन है, अब देखिए कार्बन कितने हैं, पांच, हाइड्रोजन चेक करो, दो दो चार पांच छ सात आठ, तो इसका मतलब ये भी उसका क्या हो गया, आइसोमर, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना होता है, जैसे ही डीयू आए तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक ट्रिपल बॉन्ड में दो डीयू हो सकता है, दो डबल बॉन्ड में दो डीयू हो सकता है, दो रिंग में दो डीयू हो सकता है,
और एक रिंग और एक डबल बॉन्ड में भी दो डी हो सकता है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, बड़ा मजेदार सवाल था। इसका मतलब है चार आइसोमर बनेंगे। क्लियर होता है, काफी इंटरेस्टिंग है। फटाफट से यहां पर एक बार रिंग चेन का तो आइडिया हो गया ना, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट चेन में बदलाव कर सकते हो और उसमें और भी बना सकते हो। ठीक है, सो यहां पर इसका आइडिया लगना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप ये कंपाउंड तो फिर बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाते। क्लियर होता है सब लोगों को, और वो इमेजिनेशन किधर से बनती है, डीयू से। हम आपको और एग्जांपल कराता हूं जिससे और क्लैरिटी आएगी। अगर आपको स्ट्रक्चर देके डीयू पूछ लेता तो ये तो सीधे आपको क्या किया है, चैन दे दी फिर डीयू पूछ रहा है। अब स्ट्रक्चर देके डीयू कैसे पूछेगा, उसके एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, खत्म करते हैं, फटाफट से ले लो। सो चलिए गाइज, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो तो डीयू कैसे निकालते हो, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं, उसका हम लोग फटाफट से डीयू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से उसको देखिए। सबसे पहले बेंजीन रिंग, इसमें अगर आपको पूछा हो कि बताओ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी हुई है, तो डीयू निकालो, क्योंकि एक डीयू आया तो दो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछा इस स्ट्रक्चर का डीयू बताओ, तो देखिए बहुत आसान है। मैंने आपसे कहा था कि अगर कहीं डबल बॉन्ड एक दी जाए तो मतलब एक डीयू काउंट करना है, तो देखिए यहां पर एक डबल बॉन्ड एक डीयू काउंट करा, एक और डबल बॉन्ड तो एक और डीयू एड करा, एड वन जब आपको एक डबल बॉन्ड दिख जाए, यही तो कहा था, तो आपको एक और डबल बॉन्ड दिखा, इसका मतलब एक और डीयू ऐड होगा, फिर आपके साथ यहां पर रिंग भी है, रिंग के केस में भी फिर एक और डीयू आपको ऐड करना है, यही तो करना था। आप अपनी रूल बुक में जाइए, अभी जो मैंने रूल लिखवाए थे उसमें एक डबल बॉन्ड मतलब एक डीयू, तो यहां पर तीन डबल बॉन्ड है मतलब तीन यहां पर डीयू हो गए और एक रिंग है, तो इसको एक डीयू और ऐड करना है, तो फाइनली यहां पर आंसर कितना आएगा डीयू का चार। इसका मतलब समझिए कि यहां पर हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी कितना हो गया, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन की कितनी डेफिशिएंसी हुई है, आठ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हुई है। मजे की बात देखिए, अगर यहां पर कार्बन देखिए तो कार्बन छह है, अगर ये सैचुरेटेड होता तो ये होता CnH2n+2। लॉजिक को समझिए, तो मतलब छह कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने चाहिए रहते, कम से कम 14, देखिए 6 × 12 और 2 = 14, 14 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है 8, 14 में से 8 घटाओ तो C6H6 बनेगा, यस और नो, ये मतलब है इसका, इस चीज को समझिए। लोगों को समझ में नहीं आता, समझ में आ जाए तो मजे की बात है। यहां पर एक्चुअली ये था जी अनसैचुरेटेड, ये था सैचुरेटेड, यहां पर आपने 8 हाइड्रोजन की कमी कर दी तो यहां पर C6H6 बन गया, जिससे आपने बेंजीन बनाया, यानी कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसके अंदर आपके पास तीन तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और एक रिंग दिखाई दे रही है, ये मतलब निकलता है हाइड्रोजन की 8 की डेफिशिएंसी आ गई है इसके अंदर। क्लियर हो गया, अब चलिए इसके लिए निकालते हैं। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को चेक करते हैं, डीयू कितना आएगा, तो देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड एक डीयू, डबल बॉन्ड एक डीयू एक डबल बॉन्ड, ध्यान से इसको देखिए, ये डबल बॉन्ड एक डीयू, तो एक डीयू ये हो गया, एक डीयू ये, एक डीयू है, तो तीन हो गए, एक रिंग के हिसाब से 4, वन डबल बॉन्ड वन डबल बॉन्ड वन डबल बॉन्ड एक रिंग, तीन डबल बॉन्ड हो गए एक रिंग, रिंग की वजह से एक, प्लस चेक करिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 DU। क्लियर हो गया, तो यहां पर चेक करिए रूल बुक में, अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 2 DU लगे, टोटल कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर 6 DU आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 12 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कर डाली है आपने इसके अंदर। क्लियर हो गया, 6 DU आएगा। नीचे आ जाओ, यहां पर DU कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, आप सीधे कैलकुलेट करते हैं, मतलब देखिए ये 1, 2 और 3 दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये हो गया आपके लिए 1, 2 और 3, उसके बाद देखिए यहां पर ऊपर आइए, ये रिंग 4, ठीक है, रिंग के बाद ये डबल बॉन्ड ये एक और है, तो 5 दिखाई दे रहा है सबको, ये भी काउंट करना है, तो कार्बन मतलब कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी यहां भी आ गई है, सिंगल बॉन्ड बनाते हो तो इसको हाइड्रोजन चाहिए रहेगा, इसको भी चाहिए रहता, क्लियर होता है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी यहां भी आई है, तो आपको इसको काउंट करना है। मैंने कहा था ऑक्सीजन काउंट नहीं करने, लेकिन वहां पर जो डेफिशिएंसी आ रखी है उसको तो काउंट करोगे ना, हमको स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना होता है, डबल बॉन्ड रिंग ट्रिपल बॉन्ड, हमें यहां पर एटम नहीं देखने हैं। क्लियर हो गया, सो फाइनली देखिए सिर्फ आपको डबल बॉन्ड वगैरह कैलकुलेट करने हैं स्ट्रक्चर के केस में, एक ये रहा, 2, 3 रिंग की वजह से 4 और एक डबल बॉन्ड 5, तो यहां पर 5 आएगा। क्लियर हो गया, यानी कि हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी करी है आपने, यहां पर 10 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी करी है, ये मतलब निकलता है इसका। क्लियर हो गया, अब उधर आ जाओ, यहां पर कितनी है चेक करो, ये 1, 2, 3, 4 और ये रिंग 5, तो यहां पर DU आ रहा है जी 5, सीधे कैलकुलेट करके बता दिया आपको, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये रिंग 5। अब यहां पर ये सीधे बोलता है कि बताइए यहां पर DU की कैलकुलेशन कैसे होगी, अब ये तो आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में DU कैसे निकालोगे, सबसे पहले हाफ लगाओ, उसके बाद 2 × 2 हाफ लगाने के बाद 2 + 2 × 2 लगाना जरूरी है, उसके बाद +2 × 6 क्योंकि कार्बन कितने हैं 6,
उसके बाद माइनस क्या करोगे, ये देखिए हाइड्रोजन 12 थे, उसके बाद नाइट्रोजन को जोड़ते हैं और यहाँ पर ब्रोमीन को माइनस कर देते हैं। ये देखिए फॉर्मूले पर चले जाइए, आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, वैसे भी उसको काउंट करा ही नहीं है, है ही नहीं तो काउंट कैसे करेंगे, और काउंट करनी भी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर निकालिए हाफ, ये देखिए प्लस 6 × 12 माइनस 12, ये 2 माइनस 2 वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। सो फाइनली ये भी कैंसिल, 2 और 2 यहाँ पर 1 आ रहा है डी यू, जिसका मतलब जो आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो आपको या तो एक डबल बॉन्ड दिखेगा या एक रिंग दिखेगी, क्लियर होता है सब लोगों को। एक डी यू से साफ अंदाजा हो जाता है कि इसमें एक तो डबल बॉन्ड है, क्लियर होता है। तो बस वो आपको सोचना है कि वहां डबल बॉन्ड कहीं भी प्लेस करिए, आपको उसे आइसोमर बनाने, लेकिन अंदाजा तो हो गया ना कि यहां पर डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से डीयू का बेनिफिट मिलता है। हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, मैंने आपको सोल्व करके भी बताया, और सीधे डीयू भी काफी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा यहां पर क्या हुआ है। एक डीयू का मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी हो गया, डीयू का मतलब एक डीयू मतलब 2 हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी। अब डीयू जितना आएगा उसके हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी मालूम पड़ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को सोल्व करो, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आइसोमर फाइंड आउट करने में मदद करेगा, क्लियर होता है। सो चलिए गाइज, यहां पर हम लोग डीयू खत्म करते हैं। अब हम लोग बचाए हमारे लिए टोटोमेरिज्म, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि उसके लिए समय चाहिए, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में आपको डिलीवर कर दूंगा। टिल देन आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करो, मजा आपको तभी आएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, टिल देन गाइस इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप कैपेबल हो या आपके आसपास कोई कैपेबल है, मॉनेटरी कंडीशन उसकी ठीक है, तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को यानी कि कोचिंग फ्री इंडिया के इनिशिएटिव को सपोर्ट भी कर सकते हो, हमें डोनेट भी कर सकते हो वाया पेटीएम वाया अकाउंट। पेटीएम और अकाउंट की इंफॉर्मेशन वैसे मैंने कम्युनिटी में डाली थी, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूं, अगर आप चाहें, अगर आप कैपेबल हैं, आपके फादर रेडी हैं और ये कैपेबल हैं, तो आप वहां पर हमें डोनेट भी कर सकते हो, सो जिससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी और हम लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। सो इफ़ यू वॉन्ट, आपका छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इस इनिशिएटिव को बहुत ताकत दे सकता है। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, इन वीडियोस को उन बच्चों को जरूर शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।